एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज के सेशन में हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टेक्स्ट बुक कौन सी? ये है ग्रेड 6 की, जो एनसीईआरटी की साइंस की नई किताब आई है क्यूरियोसिटी, उसका जो चैप्टर 3 है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी, उसके जितने भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको चैप्टर 2 का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना हो तो आप जाकर जो क्यूरियोसिटी वाली प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होती है उनकी हेडिंग क्या दी गई है? लेट अस एनहेंस आवर लर्निंग। तो पहली जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस। तो 1 और 2 में आपको कुछ नाम दिए गए हैं और इनमें से कौन सा हटके है उसको आपको चुनना भी है और उसके लिए प्रॉपर रीजन भी देना है। तो बढ़ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन वाले पेज पे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमको क्या क्या नाम दिए गए हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, चना। तो इन चारों में से कौन सा हटके है वो हमको ढूंढना है और उसका प्रॉपर कारण हमको बताना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हटके जो है वो है चना। चना क्यों अलग है? चना इसलिए अलग है एज इट कम्स अंडर पल्सेस, तो ये दाल में आता है, पल्सेस में आता है। और बाकी जो भी है ज्वार, बाजरा, रागी, ये कहलाते हैं मिलेट्स। तो चना इसीलिए अलग है क्योंकि ये पल्सेस में इसको कंसिडर किया जाता है और बाकी ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी क्या है? ये है मिलेट्स। अब अगर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको दिया गया है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन और राइस। तो अगर हम इसको अच्छे से ध्यान से देखें तो यहाँ पर हटके कौन है? यहाँ पर हटके है राइस। किस लिए है? उसका दो कारण है। पहली बात तो राइस एज इट इज अ मोनोकॉट प्लांट, तो जो पैडी होता है, जो इसका पौधा है, राइस जहाँ से आती है, पैडी प्लांट से आती है, तो वो कैसा पौधा है? मोनोकॉट प्लांट है, यानी कि उसकी जो सीड होगी उसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। तो ये हम चैप्टर 2 के बेसिस पे एक तो हम कारण बता रहे हैं और दूसरा जो चैप्टर 3 हमने पढ़ा है उस बेसिस पे इसका क्या कारण है वो है कि ये जो राइस है ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसमें कौन से न्यूट्रिएंट ज़्यादा मौजूद है? वो है कार्बोहाइड्रेट। बाकी जो किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोयाबीन है ये सभी डाइकॉट प्लांट्स के एग्जांपल्स है और ये सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है, यानी कि इनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन 1 है उसको सॉल्व कर दिया है, ऑड वन आउट हमने कंप्लीट कर लिया बाय गिविंग प्रॉपर रीजन। दूसरा जो है वो हमको कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया, मतलब पुराने ज़माने में और अब के ज़माने में जो खाना पकाने की जो पद्धतियां हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनमें क्या बदलाव आया है, तो एक तुलना करना है। ठीक है, तो तुलना कर सकते हैं या क्या डिफरेंसेस है उस तौर पे हम इसको आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया बताया है तो मैंने इसको डिफरेंस जैसे लिखी जाती है 2 कॉलम बना के मैंने वैसे दर्शाया हुआ है। तो हमने क्या लिया है? लेफ्ट कॉलम में ट्रेडिशनल कलिनरी प्रैक्टिसेस ली है और राइट कॉलम में मॉडर्न कलिनरी प्रैक्टिसेस ली है। कलिनरी प्रैक्टिसेस मतलब क्या? खाना पकाने की जो या खाना बनाने की जो पद्धतियां हैं वो कैसे पुराने ज़माने से और अभी मॉडर्न ज़माने से कैसे हटके हैं, उसका हमको एक कंपैरिजन देना है या डिफरेंस के तौर पे इसको दर्शाना है। तो देखिए पहला जो पॉइंट मैंने दिया है कुकिंग वॉज डन यूजिंग अ चूल्हा। तो पहले मतलब पुराने ज़माने में जैसे दादी नानी के ज़माने में क्या होता था कि जो खाना पकाया जाता था वो मिट्टी के चूल्हे में पकाई जाती थी और अभी हम क्या कर रहे हैं? कुकिंग इज डन यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव। और अभी क्या किया जा रहा है कि हम जो खाना पकाते हैं तो मॉडर्न गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रेडिशनल में आ जाएगा ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा, यानी कि अगर हमको कुछ भी पीसना हो, ग्राइंडिंग मतलब कुछ भी पीसना हो, तो तब हम अपने हाथों से क्या करते थे और उसके लिए हम सिलबट्टा का इस्तेमाल किया करते थे। और अभी के दिनों में मॉडर्न डे में क्या हो रहा है कि जो ग्राइंडिंग है यानी कि पीसना इज डन यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर। सो मिक्सी होती है यानी कि मिक्सर ग्राइंडर होता है, ठीक है, तो उनकी मदद से हम जो भी पीसने हैं हमको मसाले या जो भी पेस्ट वगैरह बनाना है तो हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर की मदद से वो चीज़ कर लेते हैं। फिर जो तीसरा डिफरेंस है कि फूड्स वेयर प्रिपेयर्ड इन यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर और मड। सो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो बर्तनें होती थी जिनमें खाना पकाया जाता था वो ज़्यादातर लोहे की होती थी या तांबे की होती थी या फिर मिट्टी की बनी हुई जो पॉट्स वगैरह होता था उनमें बनाया जाता था।
और अभी क्या हो रहा है, फूड्स आर प्रिपेयर्ड इन यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और टेफ्लॉन कोटेड नॉनस्टिक पैन। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो नॉनस्टिक पैन होता है जिसमें खाना चिपकता नहीं है, कम तेल में हम खाना बना पाते हैं, सो एक्चुअली हम तेल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ताकि खाना चिपके ना बर्तनों से। सो नॉनस्टिक पैन में तेल का कम जरूरत होता है, क्योंकि ये जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है वो खाना चिपकने नहीं देती। तो आजकल नॉनस्टिक जो भी कुकवेयर्स होते हैं उनमें हम खाना पकाते हैं, या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन में हम खाना पकाते हैं। कभी कभार क्या होता है, एल्यूमिनियम के बर्तन का जो बॉटम वाला हिस्सा होता है, निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे कॉपर का पार्ट रहता है, क्योंकि कॉपर अच्छी तरीके से क्या करता है, खाना पकाने में मदद करता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो जिस वजह से आजकल के जो बर्तन होते हैं ज़्यादातर एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं या फिर टेफ्लॉन कोटेड नॉनस्टिक कुकवेयर्स होते हैं। जो चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि स्पाइसेस आर लाइक स्पाइसेस वेयर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले की बात है, सो स्पाइसेस वेयर प्रिपेयर्ड फ्रेशली एंड देन यूज फॉर कुकिंग। तो जो भी मसाले पिसे जाते थे, या जैसे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वगैरह वगैरह जो भी किया जाता था, वो एकदम फ्रेशली उनको प्रिपेयर करके खाने में हम, मतलब खाना पकाने में उसका इस्तेमाल करते थे। बट आजकल के दिनों में क्या होता है कि ये जो मसाले होते हैं या फिर जो पेस्ट वगैरह होता है, जैसे कि आप देख लीजिए अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, तो ये सभी पेस्ट आजकल हमको पैकेट्स में अवेलेबल कराए जाते हैं, हमको ये दुकानों में पैकेट फॉर्म में मिल जाता है। तो या तो वो पाउडर मिलती है हमको पैकेट्स में, या फिर उनका पेस्ट मिलता है। तो आजकल जो है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आई है उसके चलते क्या हो गया है कि काम जो है बड़ा आसान हो गया है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि पहले के ज़माने में जो कुकिंग था वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ मैनुअली करनी होती थी, वहाँ पर किसी भी तरीके का मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए खाना पकाना थोड़ा टाइम टेकिंग होता था। आजकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के आने की वजह से और जो भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो कुकिंग जो प्रोसेस है उसका टाइम कम लगता है, जल्दी जल्दी हम मसाला पिस लेते हैं, ठीक है, हमारा काम ज़्यादा होता है कम समय में। ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल कलिनरी प्रैक्टिसेस है इंडिया की, वो कैसे एक दूसरे से अलग है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, अ टीचर सेज दैट गुड फूड मे एक्ट एज मेडिसिन। तो कोई शिक्षक कह रहे हैं या शिक्षिका कह रही हैं कि जो अच्छा खाना होता है वो दवाई की तरह काम करता है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो रवि जो है उसको ये जो कथन है उसके बारे में वो बहुत ही सोच रहा है, ठीक है, वो जानना चाहता है और हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर, और उसके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं। लिस्ट एट लीस्ट टू क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। तो देखिए, जो बच्चे होंगे उनको अगर कोई टीचर आके कहे कि अच्छा खाना एक दवाई की तरह काम कर सकता है, तो ऑब्वियसली बच्चों के मन में तरह तरह के जो क्वेश्चंस है वो जन्मेंगे या मन में आएंगे। तो वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फ्रेम करके इसका आंसर देना है। तो देखिए, मेरे मुताबिक से जो रवि क्वेश्चन कर सकता है वो मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। आपके मन में अगर कोई और भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप उसको कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं और अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, रवि माइट आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वो इन क्वेश्चंस को पूछ सकता है, जैसे कि फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो जो खाना है वो हमारे शरीर के लिए एक ईंधन की तरह काम करता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि उसी से हमको एनर्जी मिलती है, सो दैट वी कैन डू डेली एक्टिविटीज और डेली टास्क, राइट। हाउ डज इट कैन एक्ट एज मेडिसिन। तो ये दवाई की तरह कैसे काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है, हम पढ़ चुके हैं, पर ये दवाई की तरह कैसे काम करता है, ये वो मैम से पूछ सकता है। मैम कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स दैट जस्टिफाइज योर स्टेटमेंट। दूसरा वो, अब मैम है कि सर है वो तो नहीं बताया हुआ है, तो मैम भी हो सकती है, सर भी हो सकती है, तो वो उनसे पूछ सकता है कि क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स देके ये जो कथन कहा गया है इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर जो तीसरा प्रश्न वो पूछ सकता है कि इफ फूड कैन एक्ट एज मेडिसिन, अगर जो अच्छा खाना है, यहाँ पर हम गुड फूड लिखेंगे, ठीक है, इफ गुड फूड कैन एक्ट एज अ मेडिसिन, अगर अच्छा खाना दवाई की तरह काम कर सकता है, देन व्हाई डू वी हैव टू टेक मेडिसिंस व्हेन वी फॉल सिक। तो फिर हमें दवाई लेने की क्यों जरूरत पड़ती है जब हम बीमार होते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन मन में आ सकता है रवि के, कि व्हाट इज मेंट बाय गुड फूड, अच्छा खाना इसका मतलब क्या है, किस तरीके के खाने को हम अच्छा कहेंगे, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है जो वो अपने टीचर से पूछेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हमने कर लिया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कहा गया है, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरीली हेल्दी। तो कहा जा रहा है कि जो खाना स्वादिष्ट होता है, जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी भी हो,
वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर ऑलवेज एंजॉयबल, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिनमें बहुत ही पौष्टिक गुण होते हैं जिन खानों में, तो ऐसा भी नहीं है कि सभी खाने जिनमें पौष्टिक गुण है तो उसको हम मजे से खाएं, यानी कि वो उतने टेस्टी हो. शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स, तो आप अपने विचार बताइए बाई गिविंग प्रॉपर एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण की मदद से आप अपने थॉट को, अपने विचार को बताइए. तो इसका जो आंसर है ये मैंने अपने मुताबिक लिखी है, और जो आंसर है थोड़ा सा बड़ा भी हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है. तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इससे भी छोटे फॉर्म में कॉन्साइज आंसर लिख सकते हैं, बेटर आंसर लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप ज़रूर लिखिएगा. और आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस वाले आंसर में हम और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते थे. तो देखिए, मैंने जो आंसर लिखा है, यस आई डोंट बिलीव दैट नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरीली हेल्दी, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जितने भी डिलीशियस फूड्स होते हैं सभी डिलीशियस फूड्स हमारे लिए हेल्दी नहीं होते, क्योंकि बिकॉज जंक फूड्स लाइक चिप्स, पिज्जाज, नूडल्स, बिरयानी एक्सेट्रा टेस्ट गुड बट दे कंटेन टू मच ऑयल एंड हैव लेस न्यूट्रिटिव वैल्यू. तो मैंने लिखा है कि देखिए, जो जंक फूड होते हैं, ठीक है, जो फास्ट फूड होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे कौन कौन से जंक फूड दिए हैं, चिप्स, पिज्जाज, नूडल्स, बिरयानी, तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और जो फास्ट फूड होते हैं वो जल्दी जल्दी प्रिपेयर भी कर लेते हैं, ठीक है, तो इनका जो स्वाद होता है ये तो बड़ा अच्छा होता है, बट इनमें ज़्यादा मात्रा में हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, या जो भी इनको बना रहे हैं वहाँ पे वो ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनमें जो पौष्टिक गुण है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उन फूड की, वो बहुत ही कम होती है, ज़्यादा क्या होता है, सिर्फ तेल ही तेल होता है. जंक फूड्स मेक अस ओबेस, तो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ऑयल होती है, तो अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो ये हमको मोटा बना देता है, मोटापा हो जाता है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी हेल्थ डिसऑर्डर्स. तो जंक फूड्स एंड फास्ट फूड ये तरह तरह की बीमारियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान जो मोटा होता है, ठीक है, जितना वजन उसके हाइट के अनुसार होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स जितना होना चाहिए, अगर उतना नहीं होगा तो फिर ज़रूरी ये आप मतलब मान के चलिए कि उसको बीमारी तो होने वाली है, हेल्थ डिसऑर्डर्स होने वाली है. नेक्स्ट जो मैंने बताया वो क्या है, वेयर एज होम कुक फूड्स लाइक दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा माइट नॉट टेस्ट एज गुड एज जंक फूड, येट दे आर होलसम एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट कीप अस हेल्दी एंड डिजीज फ्री. तो मैंने क्या लिखा है कि घर का बना हुआ खाना जंक फूड जितना या फास्ट फूड जितना टेस्टी ना लगे, जैसे कि बच्चों को दूध पीना अच्छा नहीं लगता, फिर सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी, तो मम्मी अगर बोल दी कि आज दाल चावल और कोई मिक्स सब्जी बनी है या मिक्स दाल बनी है, तो बच्चे बोलते हैं आज भी मम्मा यही बनाया है, ठीक है, तो वो ऐसे आनाकानी करते हैं, खाना नहीं चाहते हैं. बट यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि घर का पका हुआ खाना वो स्वादिष्ट ना हो बट वो हमारे लिए बेहतर है. क्यों बेहतर है, क्योंकि इनमें सभी जो पौष्टिक गुण हैं वो मौजूद रहते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहती हैं, जिस वजह से ये जो न्यूट्रिएंट्स है यही हमको हेल्दी रखती है, हमको डिजीज फ्री रखती है. दो दे आर नॉट ऑलवेज एंजॉयबल येट दे आर गुड फॉर अस, तो घर का खाना, ठीक है, घर का खाना जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है, ये उतने स्वादिष्ट ना हो तो इनको हम उतने मज़े से ना खाएं, पर यही हमारे लिए बेहतर है, हमारे हेल्थ के लिए यही बेहतर है. तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर दिया है, तो ये अच्छी तरीके से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है. जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कहा गया है, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट एंजॉयज बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड. तो जो मेदू है वो वेजिटेबल नहीं खाता है, बट उसको ज़्यादा खाना क्या पसंद है, बिस्किट्स, नूडल्स, वाइट ब्रेड. ही ऑफन हैज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन, तो उसको मतलब ज़्यादातर ऐसा पेट में दर्द होना या उसका जो स्टूल है वो क्लियर ना होना, ये प्रॉब्लम चलती रहती है. कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, कि जो पॉटी है वो रेगुलरली ना होना, ठीक है. व्हाट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रीड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, तो उसको अपने खाने में, अपने डाइट में क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि उसको इन दिक्कतों से आज़ादी मिले. एक्सप्लेन योर आंसर, तो अपना आंसर जो है उसको एक्सप्लेन करें. अब देखिए, ये जो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन के आंसर होते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़े बड़े आंसर होते हैं, तो इसको हमको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिस वजह से ये थोड़ा बड़ा लग सकता है. और वैसे भी अभी आप ग्रेड 6 में आ चुके हैं, तो आपको तो 3-4 लाइन के आंसर से मतलब काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ये टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, 3-4 मार्क तो होता ही है, तो थोड़ा लॉन्ग आंसर होता है. तो देखिए कैसे लिखा है मैंने आंसर को, बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैदा. तो जो बिस्किट्स है, नूडल्स है या वाइट ब्रेड है, इनको मैदा से बनाया जाता है, जिसको हम ऑल पर्पज फ्लार भी कहते हैं, विच लैक्स डाइटरी
फाइबर्स इन देम। तो मैदे में डाइटरी फाइबर्स नहीं होता, यानी कि रफेजेस बिल्कुल भी नहीं होता है। अब रफेजेस की बात जब हो रही है तो इसका काम क्या है, वो यहाँ पर मैंने बताया है कि रफेजेस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल्स। तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं जिनको हम रफेजेस के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब खाना पचने के बाद जो वेस्ट हो बाकी रह जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, उससे छुटकारा पाने में ये हमको मदद करते हैं, एज वेल एज जो स्टूल होती है, जो पॉटी होती है, उसके स्मूथ पैसेज में भी ये मदद करती है। मेदो ऑफन हैज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन एज द फूड आइटम्स ही ईट लैक्स डाइटरी फाइबर। सो मेदो को पेट में दर्द, फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या क्यों है, क्योंकि जो खाना वो खा रहा है उसमें डाइटरी फाइबर्स नहीं है। ही मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो उसको अपने डाइट में फल, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर होल ग्रेन्स, दाल, नट्स वगैरह इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर रिच सोर्सेस ऑफ डाइटरी फाइबर्स, जिसके चलते क्या होगी कि फिर उसके पेट में दर्द भी नहीं होगा और उसका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि रफेजेस उसको मिलेंगी इन सारी चीज़ों को खाने से, जिसके चलते क्या होगा कि उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके इंटेस्टाइन में वो भी निकल आएगा और जो स्टूल है वो ईजिली पास भी करेगा, स्मूथली पास करेगा। सिक्स जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। सो रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। तो रेशमा को दिक्कत होती है, मतलब बहुत ही हल्की लाइट में देखने में। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। सो डॉक्टर ने उसका आंखों का चेकअप किया और उसको एक पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट दिया। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि उसको कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स लेने चाहिए अपने डाइट में। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम। तो उसको कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हुई है इसका हमको मतलब बताना है बाय रीडिंग दिस केस, मतलब ये एक केस हमको बताया गया है। दूसरा है विच फूड कंपोनेंट मे बी लैकिंग इन हर डाइट, तो उसके खाने में कौन सा फूड कंपोनेंट मिसिंग है। तीसरा बताया गया है सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी should include in her diet to overcome this problem, any four। तो हमको कोई चार food items बताने हैं ताकि उसको जो problem आ रही है वो उससे छुटकारा पा सके, उसको overcome कर सके। तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन इसका आंसर करेंगे। तो which deficiency disease is she suffering from का आंसर होगा she is suffering from night blindness। तो आपने देखा ही होगा कि जिनको night blindness की प्रॉब्लम होती है, जिनमें ये डिफिशियंसी डिजीज होती है, तो उनको डिम लाइट में, मतलब एकदम कम रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं देता, रात के वक्त ठीक से दिखाई नहीं देता, विजन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पर पूछा गया था विच फूड कॉम्पोनेंट मे बी लैकिंग इन हर डाइट, तो उसके खाने में कौन सा फूड का कॉम्पोनेंट की कमी है। तो यहाँ पर वाइटामिन ए की कमी है जिसके चलते नाइट ब्लाइंडनेस जो डिफिशियंसी डिजीज है वो होती है। तीसरा जो कहा गया था कि सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो जो चार फूड आइटम्स उसको इंक्लूड करने चाहिए ताकि उसकी ये जो प्रॉब्लम है उससे उसको छुटकारा मिले, वो क्या है कि कैरेट, पपाया, मैंगो और मिल्क, ये सभी क्या है, दीज आर रिच सोर्सेस ऑफ वाइटामिन ए। तो क्योंकि उसको वाइटामिन ए की कमी के कारण ये दिक्कत आ रही है, तो उसको ऐसे फूड आइटम्स अपने डाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे जहाँ से उसको वाइटामिन ए प्रॉपर अमाउंट में मिले। जब मिलने लगेगा तो उसकी ये जो दिक्कत है वो सुधर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो हमको सेवन्थ क्वेश्चन में कहा गया है यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। आपको ये तीन चीज़ें दी गई है, क्या दी गई है, कैंड फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट दिया गया है। विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई, इन तीनों में से आप किसको लेंगे, ठीक है, और क्यों लेंगे, इसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, रीज़न देना है। तो बढ़ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, I would prefer fresh fruit over canned fruit juice and fresh fruit juice. तो मैंने लिखा है कि मैं एक ताज़ा फल खाना पसंद करूँगी as compared to canned fruit juice, मतलब जो fruit juice cans में preserve किए हुए रहते हैं, या फिर fresh fruit juice के तुलना में। क्यों मैंने कहा कि मैं fresh fruit लेना पसंद करूँगी, यहाँ पे बताया हुआ है reason। Fresh fruit pulp is a source of roughage. तो जो pulp होता है fresh fruit का, उसमें क्या होते हैं, dietary fibers या रफेज मौजूद रहती है। एंड इट्स जूस कंटेन्स विटामिंस एंड मिनरल्स एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, और इसके जूस में विटामिंस एंड मिनरल्स होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। फ्रेश फ्रूट जूस लैक्स डाइटरी फाइबर्स इन इट, तो जब हम किसी फल का जूस निकालते हैं तो क्या होता है, पल्प वाला हिस्सा
हमको नहीं मिलता है, हमको सिर्फ उसका जूस मिलता है और पल्प में ही डाइटरी फाइबर्स या रफेज होता है, तो वो हमको मिलता नहीं है। और जो कैंड फ्रूट जूस है इनमें प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होती है एंड कैंड फ्रूट जूसेस हैव प्रिजर्वेटिव्स इन इट, और इनको क्या किया जाता है, उबाला भी जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो घट जाती है। सो जिस वजह से इट इज़ बेटर टू प्रेफर फ्रेश फ्रूट, ताज़ा फल आप मार्केट से खरीद के खाइए, तो उससे आपको जितना विटामिन और मिनरल्स मिलेगा उससे आपको जो रफेज मिलेगा वो आपको कैंड फ्रूट जूस या फ्रेश फ्रूट जूस से नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर बताया गया है गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग, तो गौरव के पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर, तो वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसकी हड्डियों को अलाइन तो कर दी, मतलब जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि टूट जाने से उनकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, तो उसको अलाइन करके प्लास्टर चढ़ा दिया है। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स, और डॉक्टर ने उसको कैल्शियम टैबलेट्स भी दिया। ऑन द सेकेंड विजिट, दूसरे टाइम जब उसने डॉक्टर को विजिट किया, द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप, सो विटामिन डी सिरप दूसरे विजिट में डॉक्टर ने उसको दिया अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट्स, मतलब कैल्शियम टैबलेट्स के साथ साथ उसको विटामिन डी सिरप भी लेने के लिए कहा। रेफर टू फिगर 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो जो फिगर 3.5 है वहाँ पर आपको टेबल में दिया गया है कि कौन से मिनरल्स, उसका सोर्स क्या है, उसकी कमी के कारण क्या डिफिशियंसी डिजीज होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब दिया हुआ है। तो आप किताब में जाकर जो फिगर 3.5 है उसकी मदद से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव, सो डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम टैबलेट्स क्यों दी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन द सेकेंड विजिट वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स, तो दूसरे विजिट में डॉक्टर ने गौरव को विटामिन डी सिरप क्यों लेने के लिए कहा अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स। और तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन, तो यहाँ पर आपको आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है कि डॉक्टर ने जो चॉइसेस ली, ठीक है, दवाई देने की, तो उसके बारे में क्या क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, आप वो क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसका भी आंसर हम बारी बारी से देंगे। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि जो डॉक्टर है उन्होंने गौरव को कैल्शियम टैबलेट्स क्यों दी, तो इसका आंसर क्या होगा, द डॉक्टर गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स बिकॉज इट कीप बोन्स हेल्दी, सो जो कैल्शियम मिनरल है ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है। तो क्योंकि उसको फ्रैक्चर आई है पाँव में, तो क्या होगा, हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए उसको कैल्शियम टैबलेट्स दी गई है, क्योंकि हमारे बोन्स भी किस मिनरल की बनी हुई है, कैल्शियम की बनी हुई है। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि दूसरे विजिट में डॉक्टर ने उसको कैल्शियम टैबलेट्स के साथ साथ विटामिन डी सिरप क्यों दी, तो इसका आंसर क्या है, द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन हेल्थ। तो विटामिन डी का क्या रोल है कि वो जो ये जो कैल्शियम टैबलेट्स वो खाएगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी में कैल्शियम जो मिनरल है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। अब ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इसमें कौन मदद करता है, विटामिन डी। विटामिन डी अगर ना दी जाएगी तो फिर जो बोन हेल्थ है वो उसमें इम्प्रूवमेंट ठीक से नहीं आएगी, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, बॉडी में एब्जॉर्प्शन में ये विटामिन डी सिरप या विटामिन डी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए उन्होंने विटामिन डी सिरप उसको प्रिस्क्राइब किया था अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट। तीसरा जो था क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया था कि डॉक्टर ने जो दवाई देने की चॉइसेस यहाँ पर हमको दिखाई, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी, तो उससे आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे मन में आया था कि व्हाई डिड द डॉक्टर डिडंट प्रिस्क्राइब विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद द कैल्शियम टैबलेट्स ड्यूरिंग गौरव्स फर्स्ट विजिट, मतलब जब वो पहली बार ही गया था तभी उसको क्यों विटामिन डी सिरप कैल्शियम टैबलेट्स के साथ नहीं दी गई, क्योंकि हमें यहाँ से पता तो चल रहा है कि कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बोन को वो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है, और ये भी पता चल रहा है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है। तो पहली विजिट में ही डॉक्टर दे सकते थे इस तरीके का जो प्रिस्क्रिप्शन करके, क्यों नहीं किया, तो ये क्वेश्चन मेरे मन में आया था। अब हम बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये हम जानते हैं कि जो हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से एक क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स, और जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, तो हमने आयोडीन टेस्ट भी पढ़ा हुआ है कि स्टार्च किसी सैंपल में, फूड सैंपल में है कि नहीं है, उसकी जाँच करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो सेम टेस्ट हमने शुगर के साथ की, बट शुगर में जो कलर चेंज नहीं आया, जो सैंपल का कलर था वो ब्लू ब्लैक में नहीं बदला। व्हाट कैन बी अ पॉसिबल रीजन,
तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो अगर आपने अच्छे से आयोडीन टेस्ट पढ़ा होगा कि जो स्टार्च है वही आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो अगर किसी फूड सैंपल में स्टार्च मौजूद रहता है तभी वो ब्लू ब्लैक कलर देगा, अगर स्टार्च मौजूद नहीं है तो वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। बट स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो शुगर के साथ जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन को ट्रीट किया, टेस्ट किया, तो फिर उसने ब्लू ब्लैक कलर क्यों नहीं दिया, इसी का कारण हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओनली स्टार्च रिएक्ट्स विद आयोडीन सॉल्यूशन टू गिव ब्लू ब्लैक कलर। सिर्फ स्टार्च ही आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देती है। आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, तो जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के कॉन्टैक्ट में आता है तो दोनों में रिएक्शन होने से वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है, जिससे हम बता सकते हैं कि उस फूड सैंपल में स्टार्च मौजूद है। इट यानी कि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर। सो जो स्टार्च है ना, सिंपल शुगर कैसी होगी, अगर आप इसको पकड़े, ये एक सिंपल शुगर है, ऐसे बहुत सारे सिंपल शुगर जुड़ के जो चेन बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टार्च, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। शुगर इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, तो ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, बट इट इज अ सिंपल शुगर, तो ये एक मोनोमरिक यूनिट है, मतलब एक ही यूनिट है, सिंपल शुगर है। इट डज नॉट रिएक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशन टू गिव ब्लू ब्लैक कलर, और ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर नहीं देती, जिससे हम ये पता कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टार्च नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ स्टार्च को ये प्रूफ करती है। तो इसका मेन आंसर क्या पता चला हमको, कि स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और वही आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देती है। जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शुगर है, जिस वजह से वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट। तो रमन ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसने एक कथन बोली है, क्या बोला है, ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो सभी जो स्टार्च होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस, बट जो सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम स्टार्च नहीं कह सकते। डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर, तो आपको एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है कि कैसे उस एक्टिविटी के थ्रू आप इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए एक्टिविटी मैंने थोड़ी सी बाद में दी है, पहले मैंने इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ किया है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, तो उसको पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने एक्टिविटी डिजाइन की है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली एक्टिविटी को ही लिखिएगा, बट ये एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा सा सुन लीजिए। तो रमन स्टेटमेंट ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस इज ट्रू, तो ये बात तो सही है कि जो सभी स्टार्चेस है वो कार्बोहाइड्रेट तो है, बट सभी कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टार्चेस नहीं कह सकते, ये बात सही है। क्यों ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बोहाइड्रेट जो एक बायोमोलिक्यूल है ये एक कंपाउंड है जो कि कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम का बना हुआ होता है, सो डू द स्टार्चेस आर, और जो स्टार्च है वो भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही बना हुआ है, इसीलिए सभी स्टार्चेस क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक तो है सिंपल शुगर्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा है कॉम्प्लेक्स शुगर्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल शुगर में कौन कौन आते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये आते हैं, और कॉम्प्लेक्स शुगर में आते हैं स्टार्च सेल्यूलोज, और भी एग्जाम्पल है, मैंने दो दो ही दिया है। तो अब यहाँ से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो सभी कार्बोहाइड्रेट्स वो स्टार्चेस नहीं होती, तो देखिए नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस बिकॉज स्टार्चेस आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। तो सभी कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्चेस क्यों नहीं कहला सकती, क्योंकि जो स्टार्चेस है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कैसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये लंबी चेन है शुगर मॉलिक्यूल्स का जो एक साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि मैंने ड्रॉ करके बताया था कि ये जो सिंपल शुगर्स है ये जुड़ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाती हैं, तो इसी को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसका एक एग्जांपल क्या है, वो है स्टार्च। सिंपल शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स हैव वन और टू शुगर मॉलिक्यूल्स इन देम, तो जो सिंपल शुगर या कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं वो तो या तो उनमें एक शुगर मॉलिक्यूल होगा या फिर दो शुगर मॉलिक्यूल बॉन्ड बना के रहते हैं, तो इसीलिए जो सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम स्टार्चेस नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार्चेस किस कैटेगरी में आती है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर की कैटेगरी में आती है। अब किस
तरीके से हम जो एक्टिविटी है उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, टू टेस्ट ट्यूब्स आर टेकन एंड आर लेबल्ड एज ई एंड बी। तो हमने दो टेस्ट ट्यूब ली है और एक को हमने ए नाम दिया है, दूसरे को हमने बी नाम दिया है। इन टेस्ट ट्यूब ए 5 ml ऑफ शुगर सोल्यूशन इज एडेड। तो जो टेस्ट ट्यूब ए था उसमें हमने 5 ml जो शुगर का सोल्यूशन है उसको ऐड किया है। इन टेस्ट ट्यूब बी पेस्ट ऑफ बॉइल्ड राइस इज एडेड। तो टेस्ट ट्यूब बी में हमने जो उबला हुआ चावल है उसका पेस्ट बना के उसको ऐड उसमें डाला और फिर 5 ml पानी उसी टेस्ट ट्यूब में ऐड किया, टेस्ट ट्यूब बी ने ऐड किया। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डाले और 5 से 10 मिनट के लिए उसको अनडिस्टर्ब रख दिया, सो दैट हम देख सकें कि क्या कोई कलर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देयर इज नो ब्लू ब्लैक कलर इन द टेस्ट ट्यूब ए, यानी कि टेस्ट ट्यूब ए में कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। वेयर एज द टेस्ट ट्यूब बी शोज ब्लू ब्लैक कलर विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। बस टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया, आयोडीन सोल्यूशन का जो ब्राउन कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। तो ये क्या कन्फर्म करता है, ये कन्फर्म करता है कि जो बॉयल्ड राइस है उसमें क्या मौजूद है, उसमें स्टार्च मौजूद है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च ही आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो कंक्लूजन में हमको क्या मिला कि ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस। और एक कंक्लूजन हो सकता है कि स्टार्च रिएक्ट्स विद आयोडीन सॉल्यूशन टू गिव ब्लू ब्लैक कलर। 11th वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है, व्हाइल यूजिंग आयोडीन इन द लेबोरेटरी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिस्टीज socks and a few fell on her teacher's sari। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आयोडीन का इस्तेमाल हो रहा था साइंस लैब में तो थोड़ा सा ड्रॉप आयोडीन का मिष्टी के जुराबों पे गिर गया और थोड़ा सा जो टीचर थी उनके साड़ी पे गिर गया। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्नड ब्लू ब्लैक। तो जो साड़ी पे जो आयोडीन की ड्रॉप्स पड़ी तो वो ब्लू ब्लैक में बदल गई। वाइल द कलर ऑन द सॉक्स डिड नॉट चेंज, बट सॉक्स पे पड़ी हुई आयोडीन सॉल्यूशन की जो ड्रॉप्स थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया उसके रंग में। व्हाट कैन बी अ पॉसिबल रीजन, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, साड़ी पे गिरने से वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया और सॉक्स में गिरा हुआ जो आयोडीन सॉल्यूशन था उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। तो इसका जो उत्तर है, आपने देखा होगा कि जो कॉटन की साड़ी होती है या कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनको कड़क बनाने के लिए, क्रिस्प बनाने के लिए हम माड़ का इस्तेमाल करते हैं जिसको इंग्लिश में स्टार्च कहा जाता है। जैसे कि एक कंपनी है रिवाइव, वो बनाती है स्टार्च ताकि हम कपड़ों को क्या बना सके, कड़क या क्रिस्प बना सके। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन होगी कि मिस्टीज टीचर हैड एडेड स्टार्च टू हर साड़ी सो दैट इट अपीयर्स क्रिस्प। तो मिस्टी की जो टीचर थी उन्होंने अपनी साड़ी में जो माड़ है, स्टार्च है या स्टार्च का जो सॉल्यूशन बना के हम साड़ी को डिप करके रखते हैं और फिर सुखाने से वो क्रिस्प कड़क हो जाता है, तो ज़रूर उन्होंने अपने साड़ी में जो स्टार्च है उसको ऐड किया होगा। दैट्स वाई द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्नड ब्लू ब्लैक। तो क्योंकि स्टार्च मौजूद थी साड़ी में तो उसी स्टार्च के साथ आयोडीन सॉल्यूशन ने रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर दिया। मिस्टीज सॉक्स डिडंट हैड स्टार्च ऑन इट। तो मिस्टी की जो जुराबे थे उसमें स्टार्च नहीं था इसलिए जो आयोडीन सॉल्यूशन पड़ा था उसके सॉक्स पे उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों टीचर के साड़ी पे गिरने से आयोडीन सॉल्यूशन का कलर बदल गया और मिस्टी के सॉक्स में गिरने से वो क्यों नहीं बदला। क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है, व्हाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड। तो जो मिलेट्स है उनको हेल्दी चॉइस ऑफ फूड की तरह क्यों कंसिडर किया जाता है। कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स suffice for the nutritional requirements of the body discuss। तो कह रहे हैं कि क्या सिर्फ मिलेट्स खाने से ही हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरा कर सकते हैं, तो ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। तो डिस्कस वाले क्वेश्चन भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे। मिलेट्स आर कंसिडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड बिकॉज दे आर गुड सोर्सेज ऑफ vitamins, minerals लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। सो मिलेट्स को हम अच्छी चॉइस ऑफ फूड या हेल्दी चॉइस ऑफ फूड क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इनमें vitamins मौजूद है, इनमें आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और ये रिच सोर्स ऑफ क्या है, डाइटरी फाइबर्स भी है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ मिलेट्स खाने से ही हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या है कि नो, आई डोंट थिंक ईटिंग जस्ट मिलेट्स विल सफाइस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी बिकॉज अ पर्सन मस्ट हैव अ बैलेंस्ड डाइट एज पर हिज और हर एज एंड द एक्टिविटीज ही और शी डज। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि नहीं,
मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ मिलेट्स खाने से ही हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बैलेंस डाइट लेना चाहिए उसके उम्र के अनुसार और किस तरीके का काम वो कर रहे हैं. मिलेट्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, येट इट लैक्स मेजर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो ऐसा माना जाता है कि जो मिलेट्स है उससे काफ़ी तौर पे हमको जो बैलेंस डाइट है वो उसके करीब है. फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इसकी कमी है. सो वन मस्ट इंक्लूड मिलेट्स इन हिज और हर डाइट अलॉन्ग विद अदर फूड आइटम्स सो दैट ही और शी गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इन एडिक्वेट क्वांटिटीज. तो फिर बेटर क्या ऑप्शन रहेगा कि आप ज़रूर अपने डाइट में मिलेट्स को तो इंक्लूड करिए ही, साथ ही साथ आप दूसरे फूड आइटम्स को भी लीजिए ताकि आपकी बॉडी को सभी जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पांचों न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, साथ ही साथ पानी और रफेज भी आपके अनुसार एडिक्वेट क्वांटिटीज में आपकी बॉडी को मिले. क्योंकि सभी का जो बैलेंस डाइट है वो वैरी करता है, किसी भी दो इंसान का बैलेंस डाइट सेम नहीं हो सकता. जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि यहाँ पर कहा गया यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ अ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का सैंपल दिया गया है. How would you check the possibility of it being an iodine solution? तो आप कैसे इसका पता लगा सकते हैं कि जो sample of solution आपको दिया गया है वो एक iodine solution है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही starch test करना पड़ेगा या iodine test जिसको हम कहते हैं वो करना पड़ेगा. To check the possibility of it being an iodine solution, I will add a few drops of it to a paste of boiled rice. If the color changes to blue-black color, then the sample of the solution given to me is iodine solution. तो मैंने क्या बताया है कि जो सैंपल ऑफ सॉल्यूशन मुझे दी गई है वो आयोडीन सॉल्यूशन है कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए मैं क्या करूँगी कि जो सैंपल ऑफ सॉल्यूशन मेरे को दिया गया है उसके कुछ बूंदे मैं बॉयल्ड राइस का जो पेस्ट है उसके ऊपर डालूंगी. अगर उसके ऐड करते ही जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाए तो इससे क्या प्रूव होगा कि ये एक आयोडीन सॉल्यूशन है, क्योंकि बॉयल्ड राइस में क्या मौजूद रहता है, स्टार्च, और स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है. और अगर कोई कलर चेंज नहीं होगा तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है. तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है. हमने सभी क्वेश्चंस चैप्टर 3 के कर लिए हैं. अगर आपको मेरा आंसर जिस तरीके से मैंने लिखा है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि आप जैसे लर्नर्स तक मेरी वीडियोस पहुँचे. और अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही कॉन्टेंट्स आपको मिलते रहेंगे. तो समय समय पर आपको अपडेट्स मिले इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम इसी चैप्टर के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.